हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह एंड वेलकम टू द वेक्टर फैमिली। अभी तक हम 12th फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक के मल्टीपल डेरिवेशन आप लोगों के लिए बना चुके हैं वीडियोस, ठीक है। आगे भी हम लोग आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोटेशनल डायनामिक के मल्टीपल और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम अभी तक खत्म कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस पे जो फॉर्मूला बनता है वो बोर्ड पे तो बोर्ड के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पे इतने सारे क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं पूछे जाते हैं, बट कॉम्पिटिटिव में मल्टीपल क्वेश्चन इस रिलेशन या इस इक्वेशंस पे पूछे जाते हैं। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा 1000 सब्सक्राइबर का गोल है फिलहाल के लिए, तो जल्दी से जल्दी यार ये 1000 सब्सक्राइबर का गोल जो है हमारा वो आप फुलफिल करा दो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे एक बात, तो सबसे पहले एक वर्ड का मतलब समझते हैं कि कोई चीज कंजर्व कब हो सकती है। कंजर्व का मतलब क्या है? अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज कंजर्व है, इसका मतलब क्या है? एक प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आप सबके पास अकाउंट बैलेंस कुछ ना कुछ होगा, अकाउंट में कुछ पैसे होंगे, बोलो ठीक। अब इमेजिन करते हैं कि आप अकाउंट आप खोले, एक साल से आप अकाउंट चला रहे। इमेजिन करो कि अकाउंट किस अकाउंट जब आपने खोला था तो पहले महीने में आपके पास 1000 रुपए थे, बोलो, और लास्ट जनवरी में आपके पास 1000 रुपए थे, और दिसंबर में भी आपके पास 1000 रुपए रहे, ठीक। इसका मतलब पूरे साल में आपका जो इनिशियल पैसा था, ये है आपका इनिशियल अमाउंट और ये फाइनल अमाउंट। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या थे? सेम। इसका मतलब इन अ होल ईयर आपकी मनी क्या हो गई? कॉन्स्टेंट। क्या लिखोगा? इन योर अकाउंट बैलेंस मनी इज कॉन्स्टेंट। मनी इज कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब मनी is not changing, money is not changing with respect to what? With respect to time, with respect to time, कि जो आपके अकाउंट का पैसा है वो with respect to time change नहीं हुआ। अब इस यहां पर थोड़ा सा कैच है, कैच ये है कि इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप पूरे साल भर पैसा निकाल ही ना, अरे बोल रहा तभी भी आपका मनी कॉन्स्टेंट है, या फिर हर महीने आप पैसा निकाल तो रहे थे बट जितना निकाले उतना डाल दिए, ठीक। इसका मतलब ओवरऑल भले आप पूरे महीने पैसे का एक्सचेंज करते रहे, 500 रुपया निकाल लिए, 100 रुपया निकाल लिए, 600 रुपया डाल, इसका मतलब भले बीच बीच में हर महीने आपका बैलेंस चेंज होता रहा बट इनिशियल महीने में और लास्ट महीने में आपका जो अकाउंट का बैलेंस था वो 1000 रुपए ही था, ये मतलब होता है कॉन्स्टेंट होने का। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंट का मतलब जीरो समझ लेते हैं। नहीं, अब एक और चीज थोड़ा सा और डेप्थ में लेयरिंग में जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि मनी इज नॉट चेंजिंग, इसका मतलब मैं किस चीज को जीरो बोल रहा हूं? चेंज इन मनी की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। जब भी बच्चे देखते हैं कि चेंज इन मनी जीरो है तो उनको लगता है मनी जीरो है। दोनों में डिफरेंस है। मैथमेटिकली ये क्या बोल रहा है कि डेल्टा एम मतलब मनी में चेंज कितना हुआ? जीरो का। मनी जीरो नहीं, मनी 1000 रुपए भैया, पैसा है लेकिन मनी में कोई चेंज ही नहीं हुआ। अगर मनी में चेंज नहीं हुआ मतलब डेल्टा एम का वैल्यू जीरो और मनी क्या है? कॉन्स्टेंट। मनी क्या है? कॉन्स्टेंट। यहां पे क्या लिखेंगे? मनी का वैल्यू जीरो है क्या? नहीं, मनी क्या है? कॉन्स्टेंट। क्या इतनी कहानी है? अब इसको एक लेयर और मैथमेटिकली समझते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मनी इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम ना, तो इसको ऐसे लिखते ना कि डीएम मतलब चेंज इन मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
मतलब dm by dt। इस dm by dt की वैल्यू क्या होगी बोलो, चेंज इन मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वैल्यू क्या होगी, जीरो। बोलो dm by dt की वैल्यू जीरो। अच्छा, इसका मतलब अगर कहीं पर भी ऐसा इक्वेशन आया जहां पे बता रहा है कि मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो, मतलब मनी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब चेंज होने वाला मनी कितना हो गया जीरो, इसका मतलब मनी क्या हो गया कांस्टेंट। अगर कोई बोले कि मेरे अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरे अकाउंट में जितना पैसा पहले था उतना ही पैसा बाद में। अब इसी चीज को अगर मैं मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखूं, ध्यान से समझना, अगर कहीं इक्वेशन आ जाए कि dl, l मतलब एंगुलर मोमेंटम, अगर कहीं पर इक्वेशन आ जाए dl by dt is equals to zero, इसका मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया जीरो। और अगर एंगुलर मोमेंटम का चेंज कितना है जीरो, इसका मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। इस चीज को एक दो बार फिर से रिपीट करके देखना। अब चलते हैं, ये सारा चीज इसलिए समझाया कि अब हम लोग मैथमेटिकली समझ सके कि मोमेंटम का मतलब क्या है। ठीक, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ। दो तरीके का मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, एक तो यहां हम देखेंगे लीनियर और एक यहां हम लोग देखेंगे रोटेशनल। ठीक, देखिए न्यूटन का एक सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इस चीज को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब क्या चेंज हो रहा है मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यहां लिखो डीपी बाय डीटी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा कॉन्स्टेंट आया के इंटू एफ, के की वैल्यू कितनी लेनी है वन, तो यहां क्या हो जाएगा डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू एफ। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया फोर्स। अब ध्यान से एक और चीज, अगर मान लो ये कौन सा फोर्स है, यहां पे फोर्स हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स, किसकी बात करेंगे एक्सटर्नल। क्यों, अगर एक पूरा सिस्टम है, होल सिस्टम, उस होल सिस्टम पे बहुत सारी फोर्सेस हो सकती है, लेकिन अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा है तो क्या उसका मोमेंटम चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। इसीलिए अगर मान लो कहीं पर भी F external की वैल्यू जीरो हो जाए, इसका मतलब हमने क्या लिखा F external जीरो हो गया तो dp by dt का वैल्यू क्या होगा जीरो। और अभी मनी वाले एग्जांपल में आपने देखा कि अगर कहीं पर भी समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो आ जाए, इसका मतलब वो चीज क्या है कॉन्स्टेंट। तो यहां अगर मैं बोल रहा हूं चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यहां कॉन्स्टेंट क्या होगा मोमेंटम, यहां पे कॉन्स्टेंट क्या है मोमेंटम। अभी कौन सा मोमेंटम, ऑफ कोर्स लीनियर, कौन सा मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम। अब इसी चीज को अगर मैं रोटेशनल के टर्म में करूं तब क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। देखते हैं, हमने सबकी एनालॉगस प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लीनियर की एनालॉगस प्रॉपर्टी रोटेशन में क्या क्या होगी। यहां पर पी है, पी मतलब क्या हो गया मोमेंटम, मोमेंटम यहां लीनियर है तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा एल, तो डीएल बाय डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑफ कोर्स यहां पर वेक्टर का सिंबल मैं नहीं यूज कर रहा हूं बट ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक, यहां फोर्स है तो फोर्स की एनालॉगस प्रॉपर्टी क्या होती है टॉर्क, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशन मोशन में टॉर्क करता है, तो यहां यूज करूंगा मैं टाउ। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे टाउ। अब फिर से वही चीज डीएल बाय डीटी इज इक्वल्स टू के इनटू टाउ, फिर से के की वैल्यू वन, तो डीएल बाय डीटी इज इक्वल्स टू टाउ, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो ऐसा हो जाएगा। अब अगर फिर से अगर कोई चीज रोटेट कर रही है और उस पर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जीरो, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि dl by dt is equals to zero। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि जो भी चेंज हो रहा है मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वैल्यू क्या है जीरो। और अगर चेंज ही जीरो है, कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही है, इसका मतलब जो पहले थी
वही बात में है। इसका मतलब यहां से भी मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक, ये तो हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ से अप्रोच। लेकिन हमारी महाराष्ट्र बोर्ड की बुक ने कुछ अलग अप्रोच लिया है, तो वो अप्रोच भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आई थिंक अगर इतना आपको समझ में आया तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद दूसरा अप्रोच मैं आपको समझाता हूं जो हमारी महाराष्ट्र बोर्ड की बुक ने यूज किया है। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड का अप्रोच क्या है। ठीक है, सेम ही चीज है, तो दिक्कत नहीं। इधर देखो, हमको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस पी। आर क्या है, रेडियल वेक्टर, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। ठीक, अब एक काम करो, हमको ये देखना है ना कि इसको डिफरेंशिएट करने पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वैल्यू क्या आती है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा था डीएल बाई डीटी क्या होना चाहिए, जीरो, तो यहां पर भी हमको ये करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। अब ध्यान से देखो, ये यूवी रूल लगा सकते हैं यहां पर, यहां थोड़ा सा उनको कैलकुलस आना चाहिए। इसके पहले वाला अप्रोच इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको मैथमेटिक्स या कैलकुलस उतना अच्छे से ना आता। ठीक है, तो यहां पर तुमको कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे यूवी रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर एक को बाहर लिए और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे वाले को बाहर लिए, पहले वाले को डिफरेंशिएट। ठीक, आगे देखते हैं। अब जरा ये चीज पे ध्यान देना, यहां क्या है, डीपी बाई डी टी, न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू किसकी, फोर्स के बराबर होता है। यहां लिख देता हूं, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स, तो यहां डीपी बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के, तो लिखा फोर्स प्लस यहां क्या है, पी वेक्टर इन बी आर बाई डी टी क्या है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन जब भी चेंज होती है तो क्या आता है, वेलोसिटी, क्या आता है, वेलोसिटी। तो बी आर बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी वेक्टर, यहां से बी आर बाई डी टी किसके बराबर है, वेलोसिटी वेक्टर के। क्या इतनी कहानी क्लियर, तो ये हो गया हमारा डीएल और ये हो गया हमारा डी टी। आगे यहां हमारे पास R क्रॉस F है और ये है P क्रॉस B। हमको पता है, we know that क्या होता है, M P मास इनटू वेलोसिटी। तो इस P के जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, dl by dt is equals to R क्रॉस F प्लस M to V into V vector। इस पूरे डेरिवेशन का सबसे क्रूशियल स्टेप ये है, ये वाला टर्म। इस टर्म को समझने के लिए तुम्हारा वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। अगर मैंने कहीं लिखा है V क्रॉस B ऐसे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले आप 2 सेकेंड और सोचिए, इसकी वैल्यू होगी 0। इसका रीजन क्या है, ध्यान से समझते हैं। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू 0 होती है। इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहे हैं बट ठीक है, चलो। क्या आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर,
ये है मेरा x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब मैंने बोला i क्रॉस i, मतलब i में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम वेक्टर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा कि नहीं, ये ऐसे ही हो जाएगा, ब्लैक वाला भी i और रेड वाला भी i, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब साइन थीटा। अगर ये वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता तो ऐसे, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अब गेस करो एंगल कितना है, परपेंडिकुलर होते तो 90 और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल बना जीरो, कितना बना जीरो। इसका मतलब अगर यहां एंगल क्या है जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो, इसी वजह से इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा जीरो। थोड़ा सा वेक्टर आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो v क्रॉस v अगर जीरो पुट किया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया हमारा जीरो, तो अल्टीमेटली बचा क्या, dl by dt is equals r क्रॉस f। यहां से समझना है r क्रॉस f बराबर होता है टॉर्क, किसके बराबर होता है टॉर्क। इसका मतलब dl by dt is equals to टाउ हो जाएगा, और शायद यही वाला इक्वेशन मैंने पीछे भी बताया था शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। अभी टॉर्क कौन सा है, एक्सटर्नल टॉर्क है, ठीक। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू क्या है जीरो, तो फाइनली डी एल बाई डी टी की वैल्यू भी कितनी होगी। और मैंने फिर आपको बताया कि अगर मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है, मोमेंटम dl by dt की वैल्यू कितनी है जीरो, hence we can say that the angular momentum is conserved, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे और भी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, उसके आगे फिर चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि अभी हमने प्रूफ कर दिया है कि कंजर्व है। अब मेन कहानी आगे स्टार्ट होगी, कंजर्व है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इक्वेशन क्या बनेगा, कहां कहां यूज कर सकते हैं, कैसे सिनेरियो होगा, ठीक। अब अगर मैंने बोल दिया है कि मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या है, बेसिकली रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम में क्या बोल रहा हूं, कंजर्व है, ठीक। अगर एल का वैल्यू है कंजर्व, तो यहां से क्या समझते हैं, लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जब यही रोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो पी की जगह क्या आ जाता है, एल। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि मास की एनालॉगस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहां लीनियर वेलोसिटी है तो यहां क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब इस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बना, आई इंटू ओमेगा। आई क्या है, आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब आगे मैंने बोला कि L क्या है, कांस्टेंट। अगर L कांस्टेंट मतलब I और ओमेगा भी क्या हो गया, अब वीडियो की स्टार्टिंग का ध्यान करो कि अगर मनी कांस्टेंट है तो जो मनी जनवरी में है वही मनी दिसंबर में भी होगा। इसका मतलब जो वैल्यू इनिशियल होगी, इनिशियल मोमेंटम, ऑफकोर्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, इज इक्वल्स टू फाइनल
एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसका मतलब जो वैल्यू इनिशियल है वही वैल्यू मेरी फाइनल भी होगी। तो यहां लिखो, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। यही तो मैंने बोला कि जो वैल्यू मेरी जनवरी में है वही वैल्यू मेरी दिसंबर में। इनिशियल और फाइनल वैल्यू दोनों क्या है, बराबर। अगर इतना समझ में आए तो इसमें देखो अभी मॉडिफिकेशंस ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे बहुत सारे थ्योरी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनने की पॉसिबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, अब हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। मैंने बोला कि मास अगर एक ही है तो क्या लिख सकता हूं, एम यहां क्या होता है, आर वन स्क्वायर ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू, क्या लिखेंगे एम आर टू स्क्वायर ओमेगा टू। एम से एम क्या क्या आया, आर वन स्क्वायर ओमेगा वन इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर ओमेगा वन। क्या इतनी करने की है, ये भी हमारे पास एक रिलेशन मिल चुका है, ठीक है। और भी मॉडिफिकेशन होंगे इसमें, देखते जाओ। हमको पता है, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एन, एन का मतलब यहां फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा वन क्या हो जाएगा, टू पाई एन वन, ओमेगा टू क्या हो जाएगा, टू पाई एन टू, ठीक है। तो इस ओमेगा वन की जगह पुट करो जरा, तो क्या हो जाएगा, आर वन स्क्वायर टू पाई एन वन आर टू स्क्वायर टू पाई एन टू। फिर से क्या चीजें कैंसिल होती हुई दिख रही है, टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गई, तो बचा क्या, आर वन स्क्वायर एन वन इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर एन टू। अरेंज कर देंगे इनको तो क्या हो जाएगा, एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन का स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन वैसे फ्रेम होते हैं कि मान लो एक ऐसे घूमता हुआ कोई टेबल है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, अब वो एक फ्रीक्वेंसी पे घूम रहा है, फिर अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो ऑब्जेक्ट फिसल के कितना दूर जा सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, वो सारी कैलकुलेशन आप इस इक्वेशन या इस इक्वेशन से कर सकते हैं। आई थिंक यहां तक की कहानी तुमको समझ में आई, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करें, फिर आप बढ़ते हैं कुछ थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजीज की तरफ, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, बढ़ते हैं। हाँ, अब जहां तक अभी तक हमने देखा कि क्या है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, बोलो ये देख लिया अभी। अब दो तरीके के सिनेरियो, आप लोगों ने वो बैले डांसर को देखा होगा, चलो फॉरेन का छोड़ रहा, इंडिया में कथक डांस होता है, ठीक है। कथक में स्पिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई कोई जो फीमेल डांसर है जो डांस कर रही है वो स्पिन कैसे करती है, सारी जो मुद्राएं होती हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिस हिसाब से उनको रोटेशन करना है। अब बाजू में एक क्लिप शो हो रही होगी, इस क्लिप में अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही लड़की ने अंदर की तरफ हाथ का मूवमेंट किया तो जो स्पिनिंग था वो फास्ट हो गया, स्पिन फटाफट होने लगा। और अगर कोई स्पिन फास्ट कर रहा है और उसको अपनी स्पीड कम करनी है तो वो फिर से हाथ को बाहर की तरफ खोल दे, ठीक। एक बार बाहर हाथ को बाहर खोला हुआ है और जैसे ही आपने हाथ को अंदर फोल्ड किया आपकी स्पिनिंग बढ़ गई, इसका मतलब रीजन समझते हैं। अगर मैं यहां पे वही कैरेक्टर ऐसे ड्रॉ कर, ठीक है, पहले इसका हाथ ऐसे बाहर की तरफ वाइड, ठीक, ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, बॉडी का सेंटर ऑफ मास, मिडल ऐसे रोटेट करोगे यहां से, ठीक। ध्यान से देखोगे तो जब इसने हाथ बाहर की तरफ फैलाए
तो आर का वैल्यू ज्यादा है। अगर आर का वैल्यू ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो आई का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, कम। क्या इतनी कहानी थी? अब देखो मैजिक, देखो फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आपने हाथ को अंदर फोल्ड किया, आपने हाथ को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, ठीक, आपका पॉस्चर ऐसे था, आपने अंदर की तरफ फोल्ड किया हाथ को, ठीक है, आपका पॉस्चर एक आ गया। जैसे ही आपने हाथ को अंदर फोल्ड किया तो किस चीज की वैल्यू घट गई, आर की वैल्यू घट गई, आर हमारा डिक्रीज हो गया। अगर आर डिक्रीज हुआ और मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो प्रकृति किसकी वैल्यू बढ़ाएगी, नेचर किसकी वैल्यू बढ़ा देगा, एंगुलर वेलोसिटी की। इसका मतलब जैसे आप पहले ऐसे ऐसे घूम रहे थे, जैसे आपका आपने हाथ को फोल्ड किया आप ऐसे, मतलब आपका रोटेशन बढ़ गया, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको एक्सप्लोर करने का सिंपल तरीका, अगर आप जिम जा रहे हैं, जिम में वो एक टेबल होता है एक्सरसाइज करने, गोल गोल घूमता है, लोग उस पर खड़े होकर ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, तो एक काम करना पूरा अच्छे से, दोनों हाथ में डंबल ले लेना, डंबल लेना और उसके ऊपर ऐसे गोल गोल घूमते रहना, गोल घूमते घूमते अचानक से तुम हाथ को अंदर फोल्ड कर लेना और फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। आप पहले डंबल लिए बाहर को रखना और उसके ऊपर नॉर्मली आप एक स्पिन, किस दोस्त को बोल देना एक बार घुमा देना, आप घुमा रहे, आप घूम रहे, फिर तुम अचानक से डंबल को हाथ लेके अंदर की तरफ उसे फोल्ड कर देना। जैसे फोल्ड करोगे देखोगे आपकी स्पिनिंग बढ़ गई, और डरना मत, नहीं तो गिर जाओगे आप। अगर फिर आपको रुकना होगा तो फिर से आप हाथ को बाहर की तरफ खोल देना, आपकी एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। बाजू में आई थिंक मैं आपको क्लिप दिखा पा रहा हूं, उसमें से आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को पीछे रिवाइंड करो और देखो, थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अच्छा, इसको अगर मैं नंबर लेके बताऊं, समझो मैं इमेजिन करो, देखो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू बराबर, ये इतना समझते हैं। इमेजिन करो कि इसकी वैल्यू थी 2 और इसकी वैल्यू थी 10, बोलो जल्दी, ठीक। तो समझना, जब मैंने हाथ की मूवमेंट को अंदर की तरफ रखा था, बोलो अंदर की तरफ रखा था, तो आर की वैल्यू कम थी, इसलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम था और स्पिनिंग क्या थी, ज्यादा। अब अगर मैं बाहर खोल दूंगा तो इसकी वैल्यू तो बढ़ गई ना, लेकिन अभी भी ओवरऑल वैल्यू प्रकृति को, नेचर को कितना रखना है, 20। तो क्या होगा, मान लो मैंने अब जैसे बाहर की तरफ हाथ खोला तो आई टू की वैल्यू बढ़ गई, अब आई टू की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो आई टू की वैल्यू मैंने 10 कर दिया और वैल्यू उसको कितनी रखनी है, 20, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। इसी वजह से जैसे ही हम हाथ बाहर की तरफ खोलते हैं तो हमारी जो एंगुलर स्पीड है, मतलब स्पिनिंग है, फ्रीक्वेंसी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो अब देख लेते हैं कि एक डाइवर जब स्विमिंग पूल में जंप मारने वाला होता है तो क्या सिनेरियो होता है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास यहां से ऐसे आपके पास एक सरफेस था, ऐसे यहां से एरिया थी, ठीक, यहां पर हमारा एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, ठीक है, यहां से डाइवर चढ़ा और यहां आ गया है, ठीक। अब जब डाइवर जंप मारेगा, साइड में देखो क्लिपिंग आप देख पा रहे हो, जब डाइवर जंप मारता है तो दो चीजें करता है, ऐसे रखा है, ऐसे जंप मारेगा, तो जब जंप मारता है तो बॉडी को फोल्ड कर लेता है, बॉडी को फोल्ड कर लेगा, जब बॉडी को फोल्ड करेगा कुछ ऐसे ऐसे कर्व जैसा बना देता है। अगर बॉडी को फोल्ड किया तो आर की वैल्यू घट गई, और जैसे ही आपको पता है आर की वैल्यू अगर घटी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो वो ऐसे गोल घूमता हुआ नीचे आएगा, क्योंकि स्पिनिंग बढ़ जाएगी, एक चक्कर दो चक्कर तीन चक्कर ऐसे लगा के आ रहा। फिर जैसे ही पानी के सरफेस पे आने वाला हुआ तो फिर से उसने अपनी बॉडी को ऐसे फिर से ओपन अप कर दिया, ओपन अप किया तो फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया और स्पीड
एंगुलर स्पिन कम हो गए और फिर से वो नीचे चल गए। इस चीज को समझने के लिए आप बाजू में जो क्लिप है उसको रिवाइंड कर करके देखो, समझ में आएगा। उसने बॉडी को पहले अंदर की तरफ फोल्ड किया, फोल्ड करने से उसका जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया था वो घट गया, जिसके कारण जो एंगुलर स्पिन था ओमेगा वो क्या हो गया, बढ़ गया, स्पिनिंग बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वो गोल घूमते 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 नीचे गिर रहा है। जब वो पानी में गिरने वाला है तो उसने बॉडी को फिर से ओपन अप कर दिया, तो आर की वैल्यू फिर से बढ़ गई, मोमेंट ऑफ एनर्शिया फिर से बढ़ गया, तो स्पिनिंग कम हो गई। ये दोनों चीजें थ्योरेटिकली पूछे जाती है, एक बार आप इनकी थ्योरी भी रीड कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। कुछ आपके अगर डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिए। एक और चीज यार, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, कमेंट भी कर दिया करो ताकि वीडियो पे एंगेजमेंट बनी रहे आप लोगों के लिए, जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं तो हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप अपने रिव्यूज हमें देते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।